जिनके एक्सप्रेशन और एटीट्यूड से हो रहे हैं सब घायल। कहते हो आप उन्हें बदमाश घुड़ी, लेकिन वो कहती हैं अपने आप को महादेव का भक्त। वो हैं द फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विशाखा जाटनी, जिनके आज इंस्टाग्राम पर 5.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर। लोगों को इनके रील्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इनकी रील बहुत तेज़ी से वायरल भी होती है। लेकिन आजकल इनके रील से ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है कि जिस लड़के को डेट कर रही हैं वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है। तो क्या सच में विशाखा एक शादीशुदा लड़के को डेट कर रही हैं? अगर ये सच है तो इसके पीछे विशाखा की क्या है मजबूरी? तो रुक जाइए, ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो आज मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। मैं आज इनके लाइफ स्टोरी के थ्रू आपको इनके जीवन का वो सच बताने वाली हूँ जो कोई नहीं बताएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी विशाखा जाटनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग विशाखा जाटनी जरूर लिखिएगा। सही तो लगते हैं हम दोनों एक साथ, हमेशा लगेंगे। 25 दिसंबर 2003 को दिल्ली के एक जाट मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसे आज आप विशाखा जाटनी के नाम से जानते हैं। लेकिन इनका असली नाम विशाखा पनवार है। इनकी उम्र इस टाइम 21 साल है। अगर इनके फैमिली मेंबर की बात करें तो इनकी फैमिली में मम्मी, पापा और इनका एक भाई और ये 4 लोग हैं। इनके पापा एक जमींदार हैं और इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ है। अगर विशाखा की स्कूलिंग की बात करें, इन्होंने नर्सरी से 5 तक की पढ़ाई संजय विश्वविद्यालय वसंत विहार से किया हुआ है और 5 से 12वीं तक की पढ़ाई गार्गी स्कूल वसंत विहार से किया हुआ है। इस टाइम ये ग्रेजुएशन कर रही हैं और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है। ये अपने जीवन का एक किस्सा बताते हुए ये बताती हैं कि इन्होंने 5 के बाद अपना स्कूल क्यों छोड़ दिया। आखिर में इनकी एक लड़की से बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से इनको 5 के बाद स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। किसी लड़की के साथ लड़ाई हो गई थी जो मेरी होती रहती है। हाँ, तो इसलिए 5 से मैंने स्कूल छोड़ दिया था। बहुत लड़ाई होती थी, मैं बचपन से ही लड़ाकू हूँ। अगर इनके सोशल मीडिया करियर की बात करें तो 2020 में इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत की थी। एक्चुअली हुआ ये था कि ये लॉकडाउन में घर में बैठकर उबा करती थी, तो इनकी मम्मी ने कहा कि तुम घर में बैठकर उबती हो, इससे अच्छा क्यों नहीं तुम टिकटॉक पर वीडियो बना लो। इन्होंने मम्मी की बात मानी और टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। मात्र चंद वीडियो में इनकी वीडियोस वायरल होने लगी और बहुत जल्दी इनके टिकटॉक पर 50,000 फॉलोवर्स हो गए। लेकिन तभी इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई कि अभी वीडियो बनाना शुरू किया था और अभी मैं वायरल होने लगी थी तभी इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। लेकिन तब इंस्टाग्राम पर रील्स आ गया, जिसके बाद इनकी मम्मी ने समझाया कि होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओ। और इन्होंने रील्स बनाया और इनकी रील्स लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और टिकटॉक से ज़्यादा इनकी फैन फॉलोइंग आज इंस्टाग्राम पर है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल तो हैं ये, साथ ही साथ इन्होंने डीप डाउन, खलनायक, लचक, चुन्नी, जान, लास्ट कॉल जैसे 10 से भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट एल्बम सॉन्ग कर चुकी हैं। तो चलिए ये था इनके करियर की बात, लेकिन अब बात करते हैं इनके लव रिलेशन की। लेकिन उससे पहले इनके बॉयफ्रेंड प्रदीप खरेरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिसंबर 1995 को दिल्ली में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसे आज आप प्रदीप खरेरा के नाम से जानते हैं। अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए तो ये बाय प्रोफेशन बॉक्सर, मॉडल और एक्टर हैं। इन्होंने रूबारू मिस्टर यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स इंडिया 2018 का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही साथ लोफर, दिल खुश नसीब, चुन्नी जैसे कई सुपर डुपर हिट म्यूजिक एल्बम भी किया है और कई शॉर्ट फिल्म में काम कर चुके हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो चलिए अब प्रदीप और विशाखा की लव स्टोरी की बात करते हैं। प्रदीप और विशाखा एक म्यूजिक एल्बम के थ्रू आज से 1 साल पहले 2023 में मिले थे। उस म्यूजिक एल्बम में प्रदीप और विशाखा मेन लीड में थे। उस म्यूजिक एल्बम में एक्टिंग करते करते इन लोगों की दोस्ती हो गई और ये दोनों जाट भी हैं, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा गहरी होती गई और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई। उसके बाद विशाखा ने अपनी फैमिली को बताया, उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद
आज से कुछ ही महीने पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप का अनाउंस कर दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने जहान की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, वहीं कुछ लोगों ने इन पर सवाल उठाए कि प्रदीप खरेरा तो पहले से शादीशुदा है, तो तुम एक शादीशुदा लड़के को आखिर क्यों डेट कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि प्रदीप खरेरा पहले से ही शादीशुदा है। इन्होंने मराठी इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस एक्टर मानसी नायक से 2021 में शादी की थी। ये शादी पूरी तरीके से लव मैरिज थी। का ऐलान करता हूँ मैं, आज अपनी मोहब्बत का ऐलान करता हूँ, मैं प्रदीप खरेरा मैं मानसी नायक से प्यार करता हूँ। लेकिन इन्होंने शादी के एक साल बाद 2022 में डाइवोर्स ले लिया। उसका कारण दोनों ने ये बताया कि हम दोनों बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आए और बहुत जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया, जिसकी वजह से हम दोनों में अब तालमेल नहीं बैठ रही है। उस रिश्ते में घुटने की बजाय हम दोनों ने अलग होना ही सही समझा। तो चलिए, ये थी इनकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जानकारी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर किसी का पास्ट रिलेशनशिप खराब रहा हो किसी वजह से, तो क्या वो आगे की ज़िंदगी नहीं जी सकता? क्या प्रदीप खरेरा अपनी आगे की लाइफ नहीं सही कर सकते हैं? तो अगर आपका जवाब है हाँ, अगर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं विशाखा प्रदीप एक रिश्ते में हो सकते हैं। जैसे ही लोगों ने विशाखा और प्रदीप के बारे में जाना, वैसे ही उन पर सवाल उठाने लगे। लेकिन विशाखा को इस बात से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है कि प्रदीप पहले किसी से शादी कर चुके हैं, प्रदीप के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। बाकी आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वो मुझे चाह कर भी दुख नहीं दे सकता, इस कदर लाडली हूँ उसकी मैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो विशाखा के जीवन के सच के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर विशाखा के फ्यूचर ड्रीम की बात करें, तो विशाखा बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती हैं। तो चलिए विशाखा, आपके सारे सपने पूरे हों, इसी विश के साथ हम इस वीडियो को यहीं करना चाहेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर करनी हो कोई शिकायत या करनी हो कोई बात, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पहला पहला प्यार है।